गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के टाइम पे जो YouTube है वो अर्निंग का कितना बड़ा सोर्स बन चुका है। जब से ये YouTube आया है, काफ़ी सारे लोग जो है इन्फ्लुएंसर बने हैं, बहुत सारा पैसा कमाया है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपना फेस नहीं रिवील करना चाहते हैं, बट वो अर्निंग अच्छी खासी करना चाहते हैं खाली YouTube के माध्यम से। तो ऐसे में गाइस, मैं अपना लैपटॉप चला रहा था और मैंने देखा क्या एक चैनल हॉप क्लाइमेक्स नाम का, जिसने ना केवल YouTube पे ग्रो किया बल्कि बहुत सारा पैसा भी कमाया, वो भी कुछ समय पे। बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनको साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का टाइम लग जाता है केवल 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने में। ऐसे में इस पर्टिकुलर चैनल ने केवल मात्र 4 से 5 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन किए हैं। सो हैलो गाइज, मेरा नाम आशीष है, आप देख रहे हैं एपी पॉड्स। बेसिकली आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से आप कुछ ही दिनों में बहुत सारा पैसा कमा सकते हो बिना अपना चेहरा दिखाए। तो ऐसे में इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे, जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आप भी एक अच्छे खासे क्रिएटर बन पाओगे, अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको पहले चीज़ें दिखाऊंगा, समझाऊंगा और आपको करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है, और उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी ढेर सारी अर्निंग कर पाओगे। तो इसके लिए हमको चलना पड़ेगा पहले अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और मैं A to Z सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो बेसिकली गाइस, हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमें ओपन क्या करना है, पहले तो मैं आपको उस चैनल के बारे में बताता हूँ। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं हॉप क्लाइमेक्स नाम का चैनल है, और इसका कंटेंट दिखाने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसका अबाउट सेक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई राकेश स्वामी नाम का बंदा है जिसका यूट्यूब चैनल है, और इन्होंने ज्वाइन किया था करीबन 30 अक्टूबर 2022 में, और इनकी जो जर्नी का 100 सब्सक्राइबर थे वो 8वें तारीख पहले महीना 2023 में, फिर इन्होंने तीसरे महीने में 1000 सब्सक्राइबर किया, फिर 1 लाख सब्सक्राइबर इन्होंने किया दूसरे चौथे महीने में, पांचवे महीने में इन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो है पूरे कर लिए। ना केवल इतने सब्सक्राइबर पूरे किए बट इसके साथ में इन्होंने 3 करोड़ 16 लाख व्यूज़ भी अपने चैनल में पाए हैं। तो इसके मुताबिक आप समझ सकते हो अर्निंग कितनी है, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। तो बेसिकली हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो इस नंबर को हम करते हैं कॉपी और कैलकुलेटर ओपन करते हैं और इसमें करते हैं पेस्ट। और अगर हम एवरेज मान लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो पे 10,000 व्यूज़ पे $1 मिलता है, तो डिवाइडेड बाई 10,000, तो हमारे पास करीबन 31,612 का जो है रेवेन्यू आ जाता है। आज के टाइम पे 82 रुपये चल रहा है, तो 82 से हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो करीबन 25,92,000 रुपीज़ इस बंदे ने कमाया है। ये तो थी एडसेंस का रेवेन्यू, और इसके साथ में हो सकता है किसी एक वीडियो में इसने पेड भी किया हो, और उसके साथ में हो सकता है कभी कभी रेवेन्यू ज़्यादा भी मिलता है और कभी कभी शॉर्ट वीडियो में रेवेन्यू अलग से भी मिलता है। तो हो सकता है 30-35 लाख के आसपास इस बंदे ने कमाया है 4 महीने के अंदर अंदर। तो ये काम आप भी कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसका कॉन्टेंट क्या है, तो हम पहले आते हैं इसकी शॉर्ट्स पर। तो शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं इसने बेसिकली करा क्या है, जो मूवीज़ होती हैं, मूवीज़ की कुछ सीन एक एक मिनट के या 50 सेकंड या 30 सेकंड के, उसको इसने एडिट किया है और उस पर इसने जो है अपनी वॉइस ओवर की है और उस वीडियो को पोस्ट कर दिया। बस सिंपल इतना ही काम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 32 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में, लड़की को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। अब इसको हम प्ले करते हैं, तो ये आप गाइस देख सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो इसने दिखाया है वो, मतलब पूरी मूवी में जो सबसे मेन पार्ट होता है या अट्रैक्टिव पार्ट होता है उस चीज़ को इसने दिखाया, और उसी के साथ में इसने जो वॉइस ओवर भी किया हुआ है इस वीडियो के अंदर। और सिंपली आप देख भी सकते हो, अगर हम इसकी वीडियो को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैं दूसरी वीडियो दिखाता हूँ, इसने लिखा है द विचेस इज टर्निंग चिल्ड्रन इंटू रैट्स, मतलब कि ये एक विच है, चुड़ैल है, जिसने जो है बच्चों को जो है रैट्स में कन्वर्ट कर दिया, उस सीन को इसने दिखाया है। और आप देख सकते हो इसने पूरी मूवी का नाम लिखा है और उसके साथ में वायरल शॉट भी लगाया हुआ है।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी मूवी के ऊपर कंटेंट बनाते हैं तो मूवी ऑलरेडी सर्चेबल होती है, आप जानते हो, तो ऐसे में आपके व्यूज़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आजकल की जो जनता है वो आलतू फालतू चीज़ों में ज़्यादा देखती है, ज़्यादा ध्यान देती है, तो ऐसे में व्यूज़ आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से इस पर्टिकुलर चैनल ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आप देख सकते हैं इसने काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है डाली हुई है, किसी में 32 मिलियन व्यूज़ हैं, 29 मिलियन, 27 मिलियन, 26 मिलियन, 25 मिलियन, 21 मिलियन, 14 मिलियन, 11 मिलियन, 10 मिलियन, 7.4 मिलियन, 6.7 मिलियन, 6.4 मिलियन, मतलब व्यूज़ का तो भरमार लगा दिया है इस पर्टिकुलर चैनल ने। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये चैनल क्रिएट कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको जीमेल एक आईडी चाहिए, यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे एक चैनल क्रिएट कर लेना है। आज के टाइम पे सबको पता है यूट्यूब का चैनल क्रिएट कैसे करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके ट्यूटोरियल देख सकते हैं। बेसिकली मैंने जो है एक चैनल बना रखा है मूवीज़ क्लिप नाम का, आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो मूवीज़ क्लिप पे हम लोग क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग ओपन करते हैं इस चैनल को। हम लोग ने योर चैनल पे आए, और याद रखिए अगर आप एक चैनल बना रहे हो तो उसका चैनल आर्ट या उसका लोगो बनाना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ऑलरेडी वीडियो डाली है, और भी वीडियोज़ डाली हैं, शॉर्ट वीडियोज़, और आपको समझाने के लिए अभी मैं आपके सामने एक और वीडियो बनाता हूँ। तो ऐसे में गाइस क्या होता है, आपको करना क्या है, आपको YouTube पे आना है, और YouTube पे जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं जॉम्बीज मूवी, आप कोई भी मूवी के ऊपर बना सकते हो। तो हम जॉम्बीज मूवी पे आ जाते हैं, और जॉम्बीज मूवी पे आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप पर्टिकुलर कोई भी मूवी उठा के उसके ऊपर वीडियोस बना दोगे तो आपको आ जाएगा कॉपीराइट। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप आओ फिल्टर के ऑप्शन में, फिल्टर के ऑप्शन में आने के बाद आपको आना है क्रिएटिव कॉमन्स में। क्रिएटिव कॉमन्स जो लाइसेंस होता है यूट्यूब का, वो लाइसेंस होता है जो वीडियो आप अपने यूट्यूब पे यूज़ करके पैसे अर्न कर सकते हो। तो जैसे गाइस ये अलाइव 2020 जॉम्बी हॉरर मूवी है, तो इसको हम करते हैं ओपन। तो हमने इसको ओपन कर लिया। अब हम करेंगे क्या, इस पर्टिकुलर मूवी की छोटी सी एक क्लिप उठाएंगे और उसके ऊपर हम आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो बेसिकली हमने जो है इसको ओपन किया, तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस मूवी की हमको क्लिप उठानी है। तो यहाँ शेयर के बगल में एक थ्री डॉट का ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे थ्री डॉट पे, उसके बाद आपको आना है क्लिप के ऑप्शन में। तो हम क्लिप के ऑप्शन पे आ गए हैं और मूवी को हमने पहले स्टॉप कर देंगे। तो हमने जो है वही 41 सेकंड से लेकर और 60 सेकंड की वीडियो बनानी है, तो हम लोग इतना जो है ओके कर लेंगे और इस क्लिप का कुछ नाम दे देंगे, जैसे अलाइव क्लिप करके दे दिया हमने, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और शेयर पे हमें करना है क्लिक। तो शेयर पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिंक आएगा, और उस लिंक को क्लिक करके जो है आपको पर्टिकुलर क्लिप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कैसे करना है यूट्यूब की वीडियोस को, ये आप लोग को बखूबी आता ही होगा, और यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो आप यहाँ पे इस लिंक को कॉपी करके इस वीडियो की क्लिप को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हमने जो है वीडियो की क्लिप को डाउनलोड कर लिया है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर वीडियो क्लिप पे आपको करना है वॉइस ओवर। तो उसके लिए आपको पहले उस वीडियो की क्लिप को जो है ओपन कर लेना है। तो हमने पहले अपना वॉइस रिकॉर्डर ओपन कर लिया, और उस क्लिप को भी आपको ओपन करना है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, तो ऑलरेडी जो है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डर है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से उस क्लिप को डाउनलोड रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम जो है रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको हम छोटा सा कर लेते हैं और उसके साथ में अपनी वॉइस भी जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम प्ले करते हैं, तो हमने प्ले किया और उसके साथ में इसको भी प्ले करना है, इसको भी प्ले कर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इस लड़के को छोड़ के वो दोनों लोग चले गए हैं, और लड़के को अपने आप को बचाने के लिए इस चाबी को उठा के लॉकअप को ओपन करना होगा और अपने आप को उस लॉकअप में बंद करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं उसको छोड़ के ये दोनों लोग जा चुके हैं, और इस बंदे के पास कुछ ही मिनट का समय है, कुछ सेकंड का समय है। अगर इसने बंदे ने चाबी उठा के लॉकअप नहीं ओपन किया और अपने आप को नहीं सेव किया, तो वो सारे ज़ॉम्बीज इसको जो है मिलके खा जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसके पास कुछ ही मिनट का समय, कुछ ही सेकंड का। तो ये जल्दी से उठता है और तुरंत ये जो है चाबी को उठाने की कोशिश करता है, और फाइनली जो है इस चाबी को लड़के ने उठा लिया है, और जॉम्बीज जो है इसको नहीं पकड़ पाए। बट इसके पास कुछ ही सेकंड का समय है अपने आप को सेव करने के लिए, और तुरंत ये जाल की तरफ भागता है, और विद इन अ सेकंड इतने सारे जॉम्बीज आ जाते हैं इसको पकड़ने के लिए। और ये तुरंत जो है जैसे ही जॉम्बीज पास में आते हैं ये अपने आप को जो है सेव कर लेता है।
तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने वीडियो के साथ में वीडियो के लिए ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर लिया है। अब आपको सिंपल करना क्या है, अगर आप एक वीडियो एडिटर में एडिट करना चाहते हो तो आप नॉर्मल एडिट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ना यूज़ करना पड़े इतना बड़ा, तो आप सिंपली कुछ नहीं आपको करना है, आपको कैनवा पे आना है। कैनवा पे आने के बाद आपको क्रिएटर डिज़ाइन पर क्लिक करना है, और क्रिएटर डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद आपको एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। तो वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास एक फॉर्मेट आ जाएगा वीडियो के लिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो बेसिकली आपको शॉर्ट वीडियोस बनानी है, तो शॉर्ट वीडियो के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हो, लॉन्ग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट आ गया लॉन्ग का, तो हमें चाहिए शॉर्ट का। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो है जितने भी ये सारी चीज़ें दिखती हैं इसमें आप चाहे इंस्टाग्राम रील्स वाले बैनर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है ये भी मैं चीज़ें आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सेकंड की ड्यूरेशन दिखा रही है, बट उसको आप जो अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने जो वीडियो और ऑडियो बना रखी है उसको जो है यहाँ पे अपलोड करना है। तो पहले हम वीडियोस पे आ जाते हैं। तो वीडियो हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड हो गई है, ये मैंने पहले अपलोड कर लिया था। और अगर आपको अपलोड करना नहीं आता तो यहाँ से आप अपलोड करके जिस फाइल में जाके सेव किया है उस फाइल पर जाके आप जो है कर सकते हो। थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए, बड़ा करने के बाद हल्का सा आपको क्रॉप भी करना पड़ेगा, फाइल को क्रॉप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फाइल को हम क्रॉप कर लेते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फाइल को हम क्रॉप करते हैं। तो फाइल को हमने कर लिया है क्रॉप, और जैसे मुझे बस मुझे यहाँ से रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग करनी है। और देन उसके बाद हमने जो ऑडियो रिकॉर्ड करी उसको भी हम लगा देते हैं। तो हम ऑडियो को पहले सुन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो ऑडियो जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ तक हमें सेलेक्ट कर लेना है, और प्रॉपर जो है ओके कर लेना है। और यहाँ से जितनी वीडियो की लेंथ है उतनी आप कर लो, जितनी ऑडियो आपको यूज़ करनी है उतनी ऑडियो कर लो। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं करीबन 53 सेकंड की ये वीडियो जो है बन गई है। और थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा कलर डाल देंगे, लिख भी देंगे। तो यहाँ से हमने उठाए रेक्टेंगुलर, और ये हमारा ग्रे कलर का है, तो इसको हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, इसको हम येलो कलर कर देंगे, येलो कलर हमने कर दिया। और आप कोई भी कलर कर सकते हो, और इसको जो है यहाँ पे लगा दिया। और पोजीशन में जाके इसको हम कर देते हैं बैकवर्ड, इसको हमने बैकवर्ड कर दिया है। और थोड़ा चाहे तो आप सर्किल को छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ से हमने छोटा कर लिया है। और उसके बाद आप चाहे कोई आइकन लगाना चाहो तो हम एक आइकन लगा देते हैं यहाँ पे, आइकन लगा दिया। और जैसे आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आप जो है ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये आदमी ज़ॉम्बी से अपने आप को बचा पाएगा। तो ये हमने लिख दिया, कुछ भी आप अट्रैक्टिव टाइप का लिख सकते हो जैसा आपको सही लगे। और जैसे बैकग्राउंड पीछे खाली लग रहा है तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर लीजिए हॉरर,
जैसे हॉरर बना रहे हो तो आप हॉरर ही सर्च करो, तो यहाँ पे हम हॉरर इमेजेस पे आ जाते हैं, और इमेजेस पे आएंगे हम, वीडियोस हमें नहीं यूज़ करनी तो हम इमेजेस पे ही आएंगे। तो यहाँ कोई भी आप इमेजेस फ्री वाली ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमने ये वाली उठा ली और इसको बैकग्राउंड में जो है हमको करना है सेट, और पोजीशन में जाके आप जो है इसको बैकवर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी वीडियो जो है ऑलरेडी पूरी जो है रेडी हो गई है, और इसको बाद तो ये रेडी हो गई। और यहाँ शेयर के ऑप्शन में आके आप यहाँ पे कर सकते हो इसको डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद जो है आपके पास ढेर सारे व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा करीबन एक महीने तक आप करिए, देखिए आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। सिंपली आपको बस दो तीन चीज़ों का याद रखना है कि आपको कोई भी मूवी उठानी है, अगर उसकी क्लिप आप यूज़ कर रहे हो तो आपको सिंपली क्रिएटिव कॉमन वाले ही वीडियो को उठा के उसकी क्लिप को यूज़ करना है, बाकी अदर क्लिप को यूज़ नहीं करना है। और कैनवा में जाके एडिटिंग करनी है, सारी सिंपल सारी चीज़ें जो मैंने आपको वीडियो में बताई। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए इंपॉर्टेंट और ट्यूटोरियल वाली या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो अर्निंग की वीडियो, तो प्लीज़ जो हमारा चैनल का लिंक है सब्सक्राइब करें उसको और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि हर एक पर्सन बिना फेस दिखाए अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें और उससे लाखों की अर्निंग कर पाए। ऐसे ढेरों चैनल है जो दबा के पैसा कमा रहे हैं बिना अपना चेहरा दिखाए हुए। तो ऐसे और कौन कौन से चैनल अगर आप जानते हो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर उनका नाम बताएँ, और ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।